हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज का जो व्लॉग है ना वो गाड़ी में शूट होने वाला है और मैं अभी जा रहा हूँ भाई मैम को। बेसिकली अपनी जो डॉटर है उसको मैंने छोड़ दिया नानी के घर, अभी मैम को छोड़ेंगे त्रिकुटा नगर, देन मैं निकलूंगा आगे। हमने टायर फिट करने के लिए दिया जो कि हम पल्सर 220 जो हम कैफे रेसर में बनाने वाले हैं उसका टायर ब्रॉड कर रहे हैं। बेसिकली अलॉय मैंने सोचा था कि उसमें डोमिनार या कोई और लगाएंगे, बट हम अलॉय नहीं चेंज कर रहे हैं, उसका जो टायर प्रोफाइल है 160 लगा रहे हैं। अभी जाके देखता हूँ मैं क्या उसका लुक आ रहा है, क्या फील आएगा। एंड आपको एक और चीज बता दूं, कावासाकी निंजा 300 खड़ी है, उसका शॉकर लीक है तो शॉकर अभी रिपेयर होने के लिए गया, वो भी पिक करना है। तो आज का व्लॉग गाड़ी में शूट होने वाला, बिकॉज बाहर जो मौसम है ना बारिश वाला सीन हो रहा है। मकान पे जाके मैं दिखाता हूँ वो टायर लगने के बाद की क्या लुक आने वाली है और कैफे रेसर जो हम तैयार करने वाले हैं। अभी वो कैफे रेसर आप बोलो ना बोलो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बनने वाला ना कुछ अलग ही पीस बनेगा, बिकॉज मैंने उसका एक खुद से एक काउल रेडी किया हुआ है। बाकी टायर एक ब्रॉड आने वाला है, एक हेडलाइट उसकी रेडी होने वाली है, रेस्ट आपको थोड़ा रैप शूप भी है, रैप करके फिर आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहे एंड तक भाई, बीच में स्किप नहीं करना, बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो। सो गाइस फाइनली हमारा टायर आ गया और मैंने फिट भी कर दिया हुआ है जैसे कि आपको बताया था। तो अभी हमने लगाया इसमें 160 प्रोफाइल सेम अलॉय पे, एंड कहीं पे कोई कुछ टच नहीं हो रहा, मैं आपको चेक करा देता हूँ, देख सकते हैं आप कहीं पे कोई टचिंग कोई कुछ नहीं है। बट ये है कि जो अलॉय है ना वो छोटा है पतला है, उस वजह से जो टायर की जो एक्चुअल जो थी ना चौड़ाई वो उतनी नहीं आ पाई, बट जितनी भी आई है बहुत अच्छी आई है। एंड जो हमारा कावासाकी है उसका शॉकर मैंने लगा दिया हुआ है, तो अभी इसको वॉश करके चेन क्लीन यूज करके ये बेच देंगे। फिर इसका जो है मैं आपको बताने वाला था काउल के लिए टायर मैंने लगा दिया। काउल देखो ये बेसिकली ओरिजिनल जो सीट है उसको कुशन निकालने के बाद ये कुछ बनता है, तो मैंने कुछ ऐसा किया इसका, ये है इसको साफ फिनिशिंग देंगे देन कलर करवाएंगे, कुछ ऐसा सोच रहा हूँ इसमें ब्लैक और रेड का कुछ कॉम्बिनेशन करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, बाकी जो जो मॉडिफिकेशन आते रहेगी मैं आपको बताते रहूँगा। एंड जो लाइट का है, लाइट अभी बेसिकली अभी जो इसकी ग्रिल है जो कि हमने खोल दी हुई है वो वहाँ पे पड़ी हुई है ग्रिल मीटर, तो अभी ये सब पेंट होने के लिए जाएगा, रेड कलर इसको करेंगे, देन इसको रेड कलर करने के बाद लाइट इंस्टॉल करेंगे। एंड अभी आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल जो इसकी है ना कैसी लग रही है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। सो फाइनली गाइस हमारा एग्जॉस्ट आ गया, आज डे है सैटरडे तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा फिट करना, तो देखते हैं कल अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो मंडे तो फिक्स है। तो अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या, इसमें एक रिमोट आएगा, आपको वायरिंग आएगी जिसमें इसका अडॉप्टर रहेगा, एंड ये मेन चीज़ जो कटआउट है जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा कटआउट सा जैसे, जिसमें इसमें आपको ऑन ऑफ मिलेगा, पिस्टन ऑन ऑफ होगा। एंड ये है कुछ मोटर, एंड ये कनेक्शन जो होगा यहाँ से सीधा इस तार के साथ लगेगा, ये हमारा जाएगा गाड़ी के साथ। तो जब ये फिटिंग होगी तो देखते हैं क्या होने वाला है। अभी ये वाला व्लॉग यहाँ पे सिर्फ एग्जॉस्ट का नहीं है, ये सिर्फ बाइक्स के लिए। तो ये फिटिंग वाली जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो शेयर कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस आज मैंने फाइनली इसका जो जो काम किया वो मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको पीछे मैं टोटल बताता हूँ भाई अभी तक क्या काम हो चुका हुआ है इसमें। तो इसमें अभी हमने कर दिया हुआ भाई, इसमें अलॉय कवर हमने कर दिया इंस्टॉल, एंड अभी सारा कुछ रिमूव किया है इसका, मैं बताने वाला हूँ साथ साथ बताऊँगा। अभी इसका हैंडल आने वाला है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर दिया हुआ है, बॉडी रिमूव करके यहाँ पे चेसी अभी हमने जो किया, ये सिर्फ डमी कलर है ठीक है, जो इसमें पेंट होगा भट्टी पेंट तो नहीं हो सकता, उसके लिए हमें पूरा इंजन डाउन करके लेके जाना पड़ेगा, तो इस पर हम स्प्रे करेंगे ठीक है। तो जो ये काउल है मैंने आपको बताया ये कैसे रेडी किया, इसमें हम रेड कलर करेंगे, देन इसमें ब्लैक रहेगा स्टिकर्स, एंड टेल रेडी होगी रेडी। अभी इसको देखते हैं कि भाई हमने इसको नंबर प्लेट को ऊपर रखना है या कहाँ करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम लगाएंगे यहाँ पे मडगार्ड मैं आपको दिखा दूंगा थोड़े टाइम के बाद, तो यहाँ पे मडगार्ड लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि यह नंबर प्लेट ऊपर आएगी या फिर नीचे लगाएंगे। इंडिकेटर्स तो हमने पोजीशन अब सेट कर दिए, जो इंडिकेटर्स हैं वो उस साइड पर रहेंगे, रेस्ट हमने जो टायर है भाई प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो साइड से, ये 160 प्रोफाइल है। बेसिकली इसमें इतना ब्रॉड नहीं दिख रहा बिकॉज ये जो अलॉय है ना पल्सर का ये होता है छोटा, यहाँ से देख सकते हो इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो इसलिए टायर फैल नहीं पाता, तो इस रीज़न है कि हमें इतना ब्रॉड नहीं दिख रहा, जबकि 160 पर फाइल है ये ज़्यादा दिखना चाहिए था। एंड आगे चलते हैं, अभी फुट रेस्ट है ये सारे सेम हम रहेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे गियर सॉक्स, अभी टैंक रैप होगा, और सर जो हमारे कस्टमर है ना उन्होंने सोचा होगा कुछ अलग सा कि कब ये बनेगी, और उन्होंने कुछ नाम सोचा इस बाइक का, तो अभी फेयरिंग यही हमारी जाएगी आज या कल में जाएगी फेयरिंग पेंट होने के लिए। मडगार्ड हो गया हुआ रेडी ठीक है, मडगार्ड हमने सिर्फ फिट करना है अभी, एंड उसके बाद लुक दिखाता हूँ आपको क्या लुक आने वाली है। मडगार्ड अभी मैंने सोचा है कि कौन सा कलर करना है, फ्रंट मैंने रेड रखा है अभी पीछे सिल्वर रखा है, तो कस्टमर देखते हैं अभी क्या करने वाले हैं। तो अभी मेरा जो माइंड है वो रेड ही रहेगा, चेसी रेड एंड फ्रंट ग्रिल ठीक है, बाकी रैप रहेगा, ये फिट करके फिर दिखाता हूँ क्या लुक आने वाली है। भाई लोग अभी का सीन मैं बताता हूँ कि मडगार्ड हमारा फाइनली जो हुआ है ना, डिज़ाइन भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, सब कुछ हो गया हुआ है, तो अभी आप देख सकते हो कि क्या फिनिशिंग आई है भाई, मुझे अच्छी लगी है नो डाउट। बाकी आपका जो है राय वो मुझे बताना, अभी ये भाई एक सैंपल है, अभी इसमें पेंट होगा रेड, डार्क रेड होगा,
एंड ये जो मैंने क्लैंप है मैंने पुराना जो इसका था ना वही यूज़ किया हुआ है, उसमें मैंने वेल्डिंग अच्छे से सेटिंग करके ना कि जहाँ पे मेरे को चाहिए था, जैसे मेरे को यहाँ पे पोजीशन चाहिए थी इतनी आगे उतनी पीछे, अपने आइडिया मतलब कि मेरे को जिस हिसाब से इसकी लुक चाहिए थी, तो यहाँ तक मेरे को इतना ही चाहिए था, ज़्यादा आगे नहीं चाहिए था, ज़्यादा पीछे भी नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे डायरेक्शन रख के मैंने इसको वेल्ड करा दिया। एंड यहाँ पे सुराख लग रहे थे तो वहाँ पे आपको होल्ड करवाना पड़ेगा अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो। तो बाकी जो लुक आ रही है साइड से मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो जब ये ब्लैक या देखते हैं अभी आप बताइए इसमें ब्लैक कलर कराएं या रेड कराएं, मुझे लगता है ब्लैक ज़्यादा सूट करेगा। बाकी आप बताओ, ऊपर जो फेस है वो भी रेडी करने वाला है, उसमें हम एक इस साइड लाइट लगाएंगे, एक इस साइड लगाएंगे एंड ऊपर मीटर आएगा बस, ठीक है। बाकी आप लुक चेक करो और मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, बट गार्ड ब्लैक में अच्छा लगेगा। एंड अब इसका जो मैं बताता हूँ क्या क्या मेन मैंने नोटिस बोर्ड पे लिख दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भाई अभी इसमें रैप पेंडिंग है, ठीक है। एंड सीट इसकी अभी होनी है स्टिचिंग, पेंट होने वाला है, टायर है इसका अगला ब्रॉड, हैंडल का है एंड स्क्वायर लाइट्स, तो ये सब काम है अभी इस पर पेंडिंग जो हमने करना है, तो जब हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसके साथ आएगी। अभी हमने इसमें जो चेंजेस किया ना वो एग्जॉस्ट की तो की थी, ये फिल्टर कर दिया हुआ है, आवाज़ जो है ना वो सुनो, तो भाई अभी का सीन जो है वो आप देख सकते हो सामने। अभी हमने पता क्या किया हुआ है, अभी हमने एयर फिल्टर का बॉक्स निकाल दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने सेट किया है बैटरी का सीन। अभी ये जो थोड़ी बहुत वायरिंग है वो सारा वहाँ पे सेट कर देंगे, जो भी पीछे वाली वायरिंग है वो भी आगे कर देंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो भाई अभी हमने कर दी है बैटरी फिट एंड जो इसकी वायरिंग है ना वो सारी आगे करने लगे हैं, करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं है बेसिकली, इसकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई हुई है, एक तो एयर फ्लो ज़्यादा मिल गया उस वजह से एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो चेंज हो गया हुआ है। तो अभी हमने कर दिया है बैटरी फिक्स और अभी पीछे वाली जितनी भी वायरिंग है वो सारी आगे ले आएंगे, सीट अभी होगी स्ट्रिच एंड पीछे मेरा काउल जो आपको बताया कैसे रेडी किया है। तो गाइज आज के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगी, कस्टमर आ रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं एंड वो देखेंगे एंड फाइनल बताएंगे कि उनको ये सेटअप पसंद आएगा नहीं आएगा, तो ये वाली वीडियो मैं आज यहाँ पे बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने बेसिकली मैंने रेड और ब्लैक में ट्राई करके देख लिया था कि मरगार्ड कौन सा लगाना चाहिए, तो अभी ये भी अभी फाइनल करेंगे कस्टमर जब आएंगे, तो मैं पहले फ्रंट वाला आगे रख के देखा था कि हाँ रेड के साथ लुक लगेगी ऐसे आप देखेंगे तो, और अगर ब्लैक के साथ देखें तो आप बताओ कि ब्लैक अच्छा लगेगा। ये सिर्फ एक डमी कलर है, या भी ये सिर्फ चेक करने के लिए कि कौन से कलर अच्छा लगता है, बाकी ये भट्टी पेंट होने जाएगा। तो वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो काउल जब बनेगा ना रेडी होगा सेक्सी लगेगा, आप देखना एंड में वीडियो में, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।